दीदी कुछ ऐसी गुरु स्टोरी बताइए दीदी, जिस जो आप हमेशा जिसको याद करके चेरिश करते हो। बारी ऐसे हुआ ना कि हम मतलब एक जगह जा रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे, और वी ट्रैवल दैट डिस्टेंस जो भी हमें जाना था, पहुंच रहे थे एक जगह। और ये था मतलब रास्ते पे ज्यादा गाड़ियां नहीं थी, कुछ नहीं था, और जंगल से ऐसे नहीं, लेकिन वो बहुत रास्ता था जहाँ पे कुछ था ही नहीं आसपास। मैं और मेरे बेटे थे और ड्राइवर, मतलब ऐसे कोई ज्यादा लोग नहीं थे साथ में कि हमें सपोर्ट मिल पाए अगर कुछ हो पाए तो। और शाम का भी टाइम होने लग रहा था, तो मैं तो, और गाड़ी का हो गया कुछ तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम, और रास्ते पे कुछ ना आगे कुछ दिखे ना पीछे कुछ दिखे, और मैं तो फिर जो हमारा है ओम नमः शिवाय या गुरुजी आके यहाँ से कैसे तो निकालो, बिकॉज हमारे जान पे अगर आ गई तो मतलब कोई बचा नहीं पाएगा। कोई आ गया तो बेटा छोटा है, ड्राइवर तो ड्राइवर है। एंड सच में इतना धावा किया, और ना जाने मतलब मुझे अभी भी ये जब किस्सा दिखता है आंखों के सामने तो बदन पे कांटा आ जाता है। कहीं से तो एक गाड़ी आई और उसमें फैमिली थी, हस्बैंड वाइफ थे, और उन्होंने पूछा अच्छा आपको कहीं जाना है, आप अटक, मतलब इट्स जस्ट हैपेंड एज इफ, लाइक एज इफ समबडी, गुरुदेव हैज सेंट समबडी एंड ही इज टेकिंग अस ऑन द जर्नी। तो वी गॉट द लिफ्ट, बट ऐसी ही लिफ्ट मिलती रही है। जब जब कभी देखा है, सच में आंख खोल के देखने की जरूरत है कि ये क्या हो रहा है। और होता है ऐसे कि हमारे विश्वास की परीक्षा लगी रहती है। हम कितना अपना माइंड छोड़ के पाथ पे आगे बढ़ेंगे, उतना ही हमारी दृढ़ता ये पाथ पे बढ़ती रहेगी। तो ये बहुत बहुत बड़ा लर्निंग है।